और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोगों को ये बात मालूम हो कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इस वक्त उस क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग है ठीक है अगर सिग्मा बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग जो है वो अगर आप इस चीज़ को नोटिफाई करें कि क्या होता है क्या नहीं होता तो हम इस चीज के बारे में एक चीज कंसर्न देखते हैं आपके पास जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है वो हेड टू हेड ओवरलैप होता है ठीक है हेड टू ड ओवरलैप क्लियर और जो है आपके पास जो पाई बॉन्डिंग होती है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है अगर आपके पास ये पाई बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली हम जब बात करते हैं पाई बॉन्डिंग्स की ठीक है तो बाय बॉन्डिंग्स हमारे पास जो स्टार्ट होती हैं ठीक है थीके? जब स्टार्ट होते हैं तो वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से स्टार्ट होते हैं और ज्यादातर वो पी वाई और पी जेड से स्टार्ट होते हैं यानी जो पी का वाई पोर्शन होता है और पी का जेड पोर्शन होता है हमारे पास पी के जो है वो तीन एक्सिस है ना पी एक्स पी वाई पी जेड तो पीवाई और पी जेड के मॉलिक्यूल तो पी वाई और पी जेड का जो है वो ज्यादातर अगर पी एक्स भी ज्वाइंट है पी एक्स ज्वाइंट है यह बात कंडीशन याद रखिएगा पी एक्स पी ज्वाइंट है तो पी वाई और पी जेड साइड बाय साइड जो है वो बॉन्डिंग करेंगे अगर नाइट्रोजन के एक एटम को देखा जाए तो नाइट्रोजन का एस ऑर्बिटल तो फ्री नहीं है क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है लाइट लास्ट शेल की बात कर रही हूँ मैं लेकिन थ्री ऑर्बिटल जो पी वाई पी एक्स पी वाई पी जेड है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जो है वो नाइट्रोजन की इस कंडीशन के लिए अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रोजन का ठीक है तो नाइट्रोजन जो है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल के मुताबिक इसने तीन बॉन्डिंग करनी है तीन बॉन्डिंग करनी है और एक बॉन्डिंग जो है वो इसकी हेड टू हेड हो जाएगी जो कि एक्स पी एक्स कहला सकेगी लेकिन आपके पास जो एक बॉन्डिंग है पी वाई की वो साइड बाय साइड होगी और पीजेड की भी साइड बाय साइड होगी तो आपको पता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं एक और कितने पाई बॉन्ड्स हैं दो तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो लगेगा बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्डिंग्स